प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 19 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर ला लेते हैं तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए, प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। फर्जी क्लेम उठाने के मामले में वकील डॉक्टर ASI समेत मृतक का बेटा गिरफ्तार। बांसवाड़ा में कैंसर से मौत को एक्सीडेंट बता उठा लिया था 50 लाख का क्लेम। बजट घोषणाओं को एक्टिव करने के लिए एक्शन मोड पर दिखी भजनलाल सरकार, प्रभारी सचिव और मंत्रियों को फील्ड में भेजा। पथराव कर हुड़दंग मचाने के मामले में 4 गिरफ्तार, 84 पुलिस ने की कार्रवाई। और मुहर्रम को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में तैयारियां तेज, जियारत के लिए रखे जाएंगे ताजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए करवाई जाती है कि कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए, अनहोनी हो जाए तो आश्रित परिवार को मदद मिल सके, आर्थिक संबल मिल सके, सहायता मिल सके। लेकिन इसमें भी फर्जीवाड़ा करना शुरू हो चुका है। ये कभी आज से नहीं हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है। लेकिन जब कभी मामला पकड़ में आता है, मामला उजागर होता है, तो हकीकत सामने आती है कि किस हद तक मिलीभगत करके फर्जी क्लेम भी उठाए जाते हैं। और इस बार मामला खुला है बांसवाड़ा के जिले से। बांसवाड़ा जिले के अंदर मौत के बाद फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम उठाने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें वकील शामिल है, पोस्टमार्टम करने वाले टीम शामिल है, नर्सिंग स्टाफ शामिल है और कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी शामिल है। ऐसे में ये कार्रवाई हुई है जहां पर कोई 2-5 लाख का नहीं बल्कि 50 लाख का क्लेम उठा लिया गया। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति था, पहले उसकी पॉलिसी की जाती है, बाद में जब उसकी बीमारी से मौत हो जाती है तो उसे घर के अंदर फिसल कर गिरना बताकर दुर्घटना का रूप दिया जाता है। उसी आधार पर पोस्टमार्टम होता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर क्लेम तक उठा लिया जाता है। अब गिरफ्तारी के डर से तो कई लोग भागते फिर रहे। फर्जी क्लेम उठाने के मामले में बांसवाड़ा पुलिस ने अभी तक मृतक के बेटे सहित 2 वकील और 1 पूर्व PMO और 1 ASI को गिरफ्तार किया है। यह पूरा प्रकरण साल 2016 का है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी इंटरनल जांच में इस बात का खुलासा करके इसका पूरा पर्दाफाश किया है। बोरवट गांव निवासी देवंग पटेल की मौत, उसके परिजनों ने कंपनी के सामने झूठी रिपोर्ट पेश कर 50 लाख रुपए का क्लेम उठा लिया। तब कंपनी ने मार्च 2023 में सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पूरे प्रकरण की जांच DSP सूर्यवीर सिंह ने की, जिन्होंने सबसे पहले मृतक देवेंद्र पटेल के बेटे योगेंद्र पटेल, तत्कालीन PMO डॉक्टर रवि उपाध्याय और तत्कालीन ASI योहन कुमार को पूछताछ के लिए 11 जुलाई को थाने पर बुलाया, जहां आरोप साबित होने और क्लेम उठाना कबूल करने के बाद उसी समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। DSP सूर्यवीर सिंह ने बताया कि पूछताछ में बेटे योगेंद्र ने जानकारी दी कि इस प्रकरण में 2 वकील बोदला निवासी हितेश पटेल और सालिया निवासी महेंद्र पटेल शामिल है। पूर्व में 3 आरोपी गिरफ्तार होने की सूचना मिलने पर ये दोनों वकील फरार हुए, लेकिन उन्हें ट्रेस कर लिया गया। उनकी लोकेशन भिलवाड़ा में आई तो वहां से उन्हें पकड़ने के लिए टीम को भेजा गया। शुक्रवार रात को भिलवाड़ा में उन्हें भी पकड़ लिया गया और बांसवाड़ा लेकर आया। शनिवार दोपहर उनकी गिरफ्तारी शो कर दी गई। पूरे प्रकरण की जांच में सामने आया कि DSP ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि बोरवट निवासी देवंग पटेल कैंसर से पीड़ित थे, 3री स्टेज में थे। तब दोनों वकील देवंग के बेटे योगेंद्र से मिले। मई 2015 में देवंग पटेल के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी कराई गई। उस वक्त उन्हें कैंसर रोग की सच्चाई की जानकारी नहीं दी गई और 50 लाख रुपए की पॉलिसी करा दी गई। 14 मई 2016 को दोपहर करीब 2:30 बजे देवंग की अचानक तबीयत बिगड़ती है। उसे MG अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। खेल यहीं से शुरू होता है। मौत की सूचना पर दोनों वकील तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं। ASI योहन कुमार, PMO रवि उपाध्याय और मृतक के बेटे योगेंद्र से मिलकर साजिश रची जाती है और शव का पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहां मिलीभगत कर प्राकृतिक मौत को एक्सीडेंट बताते हैं। बेटे योगेंद्र से रिपोर्ट ली जाती है और बताया जाता है कि उसके पिता टॉयलेट के लिए जा रहे थे और गिरने से उनकी मौत हो गई। PMO में भी चोट लगने से मौत बताई जाती है। पुलिस ने PM कर शव परिजनों को सौंप दिया। PM रिपोर्ट के आधार पर कंपनी ने क्लेम जारी कर दिया और 50 लाख रुपए उठा लिए गए। अब सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जिले के अन्य मामले भी सामने आने की उम्मीद है, क्योंकि बांसवाड़ा शहर के नजदीक ही झूठी मौत रिपोर्ट दिखाकर लाखों रुपए
और करोड़ों के क्लेम उठाने का गिरोह काम कर रहा है। सूत्रों की माने तो इसमें कई डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, पुलिसकर्मी भी शामिल है। यह गिरोह न सिर्फ बांसवाड़ा बल्कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर के आदिवासी अंचल में भी सक्रिय है। ओ गॉड स्नेहा, सो डर्टी। मैं तो अपने आप को साफ रखना पसंद करती हूँ। टॉयलेट कौन साफ करेगा, तेरी माँ? वाइटिक्स टॉयलेट क्लीनर, रखे टॉयलेट को हमेशा क्लीन एंड फ्रेश। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। डूंगरपुर के 84 थाना पुलिस ने सड़क पर हुड़दंग मचाने के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पाडली गुजरेश्वर के पास पथराव की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर जाप्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने हुड़दंग मचाने की बात कबूल कर ली। 84 थाना अधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि सड़कों पर बढ़ रही पथराव और लूटपाट की वारदातों पर रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार रात के समय सूचना मिली थी कि पाडली गुजरेश्वर के पास अज्ञात बदमाश राहगीरों पर पथराव कर रहे हैं। इस पर थानाधिकारी के साथ हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल, कांस्टेबल मुकेश और दूसरा जाप्ता मौके पर पहुंचा। 4 बदमाश युवकों को हुड़दंग मचाने के मामले में पुलिस ने पकड़ा है। इसमें अमर प्रकाश आहारी है, जो ददोड़िया का रहने वाला है। इसके अलावा हितेश है, ये भी ददोड़िया का रहने वाला है। इसके साथ ही अरविंद और रूपलाल को गिरफ्तार किया है, ये सांसरपुर कंजड़िया के रहने वाले हैं। पुलिस ने पत्थरबाजी के मामले में इन्हें शांति भंग के आरोप में पकड़ा है। सिचुएटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ उदयपुर, उदयपुर ओनली CBSE एफिलिएटेड स्कूल राणा प्रताप इंग्लिश मीडियम स्कूल, पीसफुल एंड हाइजेनिक एनवायरनमेंट, फ्री बस फैसिलिटी फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 3, 100% क्वालिटी रिजल्ट, वेल मेंटेन्ड एंड अपडेटेड लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर लैब, ह्यूज प्लेग्राउंड्स, राणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल RBSE, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स, राणा प्रताप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिहाइंड चौधरी पेट्रोल पंप भिंडर उदयपुर। हजरत इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के तहत इन दिनों मुस्लिम इलाकों में तैयारियों का दौर जारी है। वहीं शहर भर में ताजियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर के सबसे बड़े पलटन ताजिया को पिछले 1 माह में बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। कमेटी के सदर शाह नवाज हुसैन ने बताया कि ताजिया बनाने के लिए 1 माह पूर्व से ही काम तेज कर दिया था, जिसमें रात दिन लगाकर कारीगर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। पलटन का ताजिया सोमवार को लोगों के लिए जियारत के लिए मस्जिद चौक में रखा जाएगा। गुरुवार तक ये यहाँ पर रहेगा। वहीं शहर के दोलीबावड़ी, अलीपुरा मस्जिद सहित शहर के सभी मोहल्लों में ताजियों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। मुहर्रम की 7वीं सोमवार को शहर भर में छड़ियों का जुलूस निकाला जाएगा। वहीं नवी रात में सलामी की रस्म निभाई जाएगी, जबकि अंतिम आशूरा के दिन ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा, जो मंडी से शुरू होकर बड़ा बाजार, घंटाघर, जगदीश चौक होते हुए पिछोला के संपन्न होगा। ताजिए लगभग महीने डेढ़ महीने से बनने चालू हो गए थे। ताजिए बनते हुए अब फिनिशिंग स्टेज पर हम आ चुके हैं और इंशाल्लाह 14 तारीख को उदयपुर शहर में छड़ियों का जुलूस निकलेगा और 17 तारीख को ताजिए उदयपुर शहर में निकाले जाएंगे। तो हमारी पलटन का ताजिया उस शाम की सवारी में निकलेगा और इसको बनाने में हमारे कमेटी मेंबर और हमारे तज्जू भाई दोलीबावड़ी वाले हैं, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। साथ में डिज़ाइनिंग के लिए मोहम्मद बख्श साहब, हाजी साहब, उन्होंने अच्छा अपना सपोर्ट दिया है और लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। बस अब 14 तारीख को छड़ी जुलूस के बाद हम उसको अंजाम दे देंगे। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 02942429044। Gates, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future. Geetanjali Institute of Technical Studies. Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान मामलों का राजीनामे से निस्तारण किया गया। जिला और सेशन न्यायाधीश ने लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया है और इन लोक अदालतों में सैकड़ों प्रकरण रखे गए, जिनमें कई मामले निपटा गए। लोक अदालतों में खास तौर से बैंकों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। लोक अदालत के माध्यम से मोटर एक्सीडेंट, चेक अनादरण, फौजदारी मामले सहित पारिवारिक मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का आपसी राजीनामे के माध्यम से केस निपटाए गए। इस मौके पर न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत के जरिए न्यायालयों में सालों से लंबित प्रकरणों के अलावा प्री लिटिगेशन स्टेज पर लोन मामले और अन्य प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के बीच आपस में भाईचारा बनाए रखना है और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के साथ ही राष्ट्र का विकास करना है। पिछले कुछ समय से लगातार लोक अदालतों के आयोजन से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है। इससे
न्यायालय का समय भी जाया होने से बचा है, साथ ही आपसे रिश्ते भी सुधरे हैं। आज उदयपुर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के तत्वावधान में हमारे न्यायपालिका द्वारा, जिला न्यायपालिका उदयपुर द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारे द्वारा 18 बेंचेस बनाई गई हैं, 7 बेंच हमने यहाँ मुख्यालय पे बनाई हैं और 11 बेंच हमारे बाकी तालुका क्षेत्र में सलूमर, दरियाबाद, जितने भी जो स्थान है हमारे सलूमर, कानोड, मावली इत्यादि, इन स्थानों पर कुल हमने 18 बेंच बनाई है। लगभग हमने 64,000 मुकदमे रेफर किए हैं, जिसमें से 31,000 मुकदमे प्री लिटिगेशन के हैं। प्री लिटिगेशन वो होते हैं जिनमें अभी मुकदमे कोर्ट में आए नहीं है लेकिन संभावित है, जिनमें लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न हो चुका है लेकिन अभी कोर्ट में आए नहीं है। ऐसे मामलों को हम कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट में आने से पहले ही उन्हें निपटा दिया जाए। ऐसे 31,000 मुकदमे हमारे पास प्री लिटिगेशन के हैं और 33,000 मुकदमे जो कोर्टों में केस पेंडिंग है, उन केसेस को भी हम कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में निपटारा कराने की कोशिश करें। अमूमन ये देखा गया है कि जितने रेफर होते हैं लगभग 10-15% मुकदमों में सफलता मिलने की गुंजाइश रहती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छी संख्या में मुकदमे निस्तारित होंगे। ये राष्ट्रीय लोक अदालत हमारी पुरानी जो पंच व्यवस्था थी उसको हम पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से लोगों को आपसी समझाइश से जितना मुकदमों का निपटारा कराने की कोशिश करते हैं वो होता है और हमारे एक्सपर्ट भी इस बीच में रहते हैं जो इस लोक अदालत और राजीनामे से संबंधित अपने उनका उनके पास विशेषज्ञता रहती है और इन सब माहौल से और लोगों में जागरूकता से अधिक संख्या में मुकदमे निकालने की कोशिश करते हैं। जो बहुत गंभीर मामले के प्रकृति के मामले हैं, न्यायालय हमारी ये मान्यता है हमारे कि ये न्यायालयों में चलने चाहिए, लेकिन जो औपचारिक प्रकृति के छोटे मुकदमे हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से निकले। A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अ लेजेंड इन स्कूल एजुकेशन, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम विद कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम। स्कूल एम्स एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School, 1 North Iyer, University Road, Udaipur. प्रदेश की खान एवं पेट्रोलियम विभाग के शासन सचिव और उदयपुर जिले की प्रभारी सचिव आनंदी उदयपुर दौरे पर रही। उन्होंने शनिवार को सर्किट हाउस में परिवर्तित बजट 2024-25 में उदयपुर जिले की घोषणाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि समस्त संबंधित विभाग और अधिकारी बजट घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन में जुट जाएं। आपको बता दें कि बजट घोषणा के साथ ही भजनलाल सरकार ने अधिकारियों को पूरा मैप समझा दिया कि कैसे काम करना है और तुरंत प्रभाव से जो बजट में सरकार ने घोषणाएं की, जमीनी हकीकत, जमीनी स्तर पर इनके क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को टारगेट दे दिए हैं और उसी के चलते सचिव जिनको जिले के प्रभारी बनाए गए हैं उनको फील्ड में भेज दिया गया है। उदयपुर दौरे के दौरान आनंदी ने कहा कि सभी विभाग, जिला प्रशासन और अन्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अपनी अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि जहां जमीन की आवश्यकता है वहां संबंधित विभाग के अधिकारी SDM के साथ मौका मुआयना कर जमीन आवंटन की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। आरंभ में प्रभारी सचिव ने अलग अलग विभागीय अधिकारियों से उनके विभाग के संबंध में हुई घोषणाओं के बारे में जानकारी ली और क्रियान्वयन के लिए अपेक्षाओं आवश्यकताओं के संबंध में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। बैठक के दौरान घोषणाओं के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी भी आनंदी ने ली, तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में भी पूछा, जमीन चिन्हित करने, DPR तैयार करने और टाइमलाइन तय करने के संबंध में भी उन्होंने निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल प्रभारी सचिव को विभागवार हुई बजट घोषणाओं के बारे में जानकारी दी। अब तक विभाग के स्तर पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी उन्होंने आनंदी को बताई। इस मौके पर SDM सिटी राजीव द्विवेदी, जिला परिषद CEO कीर्ति राठौड़ समेत तमाम विभाग के अधिकारी भी सर्किट हाउस में मौजूद रहे। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर, एडमिशन ओपन। राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी की पूर्व में की गई अनुशंसा पर जिला परिषद ने विधायक निधि से 72 लाख की विभिन्न विकास कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। राजसमंद विधायक कार्यालय से जानकारी मिली कि विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी की अनुशंसा पर विभिन्न ग्राम पंचायतों में 72 लाख की CC रोड, सामुदायिक भवनों की वित्तीय स्वीकृतियां जिला परिषद द्वारा जारी की गई है। इसके तहत उक्त स्वीकृतियों में नाली निर्माण के अलावा भील बस्ती में तलाई तक CC रोड है, सामुदायिक भवन का विस्तार है,
देवनारायण मंदिर के पास में भी सामुदायिक भवन बनाने के अलावा कई काम हैं जो विधायक निधि से होंगे। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development, familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 Pratap Ji Ki Badi, Amba Mata Scheme, Udaipur. पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0% down payment, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरणमगरी सेक्टर 5 मेन रोड, उदयपुर। बारिश का मौसम है लेकिन पिछले कुछ दिनों से मौसम ने बेरुखी दिखा रखी है। मानसून अटका हुआ है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन उमस पड़ी हुई है और इस उमस के चलते जहरीले जीव बिलों से बाहर आ रहे हैं। राजसमंद जिले के बोरत पंचायत के खारंडिया गांव में 12 फीट लंबा अजगर आने से गांव में हड़कंप मच गया। रामलाल सुतार के खेत में यह अजगर दिखा, जहां पर इसकी सूचना सर्प मित्र को दी गई जिन्होंने इसे रेस्क्यू किया। सर्प मित्र किशन कुमावत ने बताया कि गाँव से अजगर के होने की सूचना उन्हें फ़ोन के जरिए मिली थी। इसको लेकर वो रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे और अजगर को रेस्क्यू किया, बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। इस दौरान वार्ड पर डूंगर सिंह सहित बड़ी तादाद में ग्रामीण यहां पर मौजूद हो गए। खारंडिया गांव में 12 फीट लंबा अजगर देखकर लोग अचंभित हो गए। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to second standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. चलते चलते फिर नजर डालते हैं तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। फर्जी क्लेम उठाने के मामले में वकील, डॉक्टर, एएसआई समेत मृतक का बेटा गिरफ्तार। बांसवाड़ा में कैंसर से मौत को एक्सीडेंट बता उठा लिया था 50 लाख का क्लेम। बजट घोषणाओं को एक्टिव करने के लिए एक्शन मोड पर दिखी भजनलाल सरकार, प्रभारी सचिव और मंत्रियों को फील्ड में भेजा। पथराव कर हुड़दंग मचाने के मामले में 4 गिरफ्तार, 84 पुलिस ने की कार्रवाई। और मुहर्रम को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में तैयारियां तेज, जियारत के लिए रखे जाएंगे ताजिए। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस टीम में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप अपने न्यूज 9 पर स्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।